ये देखो तगड़ा भी है भाई बाबा बागेश्वर बाबा। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ जो बाबा बागेश्वर धाम है वे अलवर ज़िले में कथा करने आ रहे हैं 6-7-8 को, तो उसका मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। टेंट कैसा बन रहा है, कैसे होता है, कैसे तैयारी की जाती है। दोस्तों इस ब्लॉग को आप पूरा देखना और इसमें मैं सब कुछ दिखाऊँगा कि क्या खर्चा आता है, क्या सिस्टम है, उसको मैं एंड तक दिखाने वाला हूं आपको। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ और पूरा व्यू आप देखने की। तो आप देख रहे हैं यह है टेंट जो कि दो पंडाल बनाए गए, एक तो आपको ये दिख रहा है एक दो और तीसरा उधर बन रहा तीन, और यह जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से बाबा हैं जो दर्शन देंगे। इधर ही बाबा का सिंहासन लगेगा और जो कि जोरों से तैयारी चल रही है। दोस्तों मैं इसका भी खर्चा बता देता हूँ कि इसका इस भाई से पूछता हूँ, यहाँ पे एक भाई है जिसने यहाँ पे काम देख रहा है और ये बताएगा कि इसमें क्या खर्चा है। सर आप किधर के थोड़े इधर बताइए, सर आप बताइए बाबा कब आने वाले हैं। सर बाबा आएंगे 5 तारीख से 8 तारीख, थोड़ा जोर से बाबा 5 तारीख से 8 तारीख। जी सर, सर इसमें कितना खर्चा टेंट में सर? तकरीबन सर सर भाई जो हमारे भाई वो बता रहे हैं इसमें 1 करोड़ का खर्चा बता रहे हैं टेंट में, और ये तैयारी कब से चल रही है? तो 20-25 दिन से बता रहे हैं, काफ़ी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि मैं खुद देख रहा था, कई बार अलोड जा रहा था तब देखा था, काफ़ी दिन से जोरों से तैयारी चल रही है। और देखो यहाँ पर क्रेनों के माध्यम से है, जो रूलर भी है, इसको ज़मीन को थोड़ा टाइट किया गया, नीचे से बुलडोजर है और जेसीबी है, क्रेन है, तो बहुत तगड़ा व्यू है, आप देखने ज़रूर आएँ। और ये दोस्तों मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, ये अलवर ज़िले के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से आप टेम्पो करके स्टेशन से आएँ और उनसे बोलें कि हमें MIA लोहे का तिबारा छोड़ दें, वहाँ से 10-20 रुपये लेंगे और आपको यहाँ पे बाबा के दरबार पे छोड़ देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये दिल्ली से 150 किलोमीटर है और जयपुर से भी इतना ही लगभग पड़ता है। जो भाई आना चाहता है वे ज़रूर आएँ और बाबा के भव्य दर्शन करें। देखो ये देखो साइड पर भी बन रही है बाबा, मैं भी इसको लगातार एक मन से देख रहा हूँ। और देखो इधर भी ये हमारी मोदी गणेश में भी ठहरने के लिए जगह है, व्यवस्था है। ये दोस्तों MIA एरिया, हमारा इंडस्ट्रीज एरिया, फैक्ट्री एरिया बोल देना, जो भी टेम्पू करके आ, अगर कोई पर्सनल टेम्पू करके आए ना वो उसको भी 50 रुपये ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि 8 किलोमीटर पड़ता है, कहीं ज़्यादा ज़्यादा दे दो आप 20 रुपये देना है किसी को भी ज़्यादा। ये है बाबा का स्टेज है, ये भाई देखने के लिए आए हैं, सिस्टम है पूरा। ये देखो भाई कसम से ना बहुत तगड़ा सीन है भाई, जरूर आना भाई बागेश्वर बाबा धाम देखने के लिए। सुना था कि बागेश्वर बाबा, लेकिन आज देख लिया भाई कितना तगड़ा इसकी सिस्टम से काम किया जाता है। इसका गेट भी कम से कम 10 गेट लगाए जा रहे हैं, मैं आपको गेट भी दिखाऊंगा आगे चल के। देखो वे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना गेट है, गिनती नहीं हो रही भाई मेरे से, तो तगड़ा सिस्टम ही है। जो बाबा है ना इधर ही बैठेंगे वे, और बाबा का मैं स्टेज दिखा देता हूँ आपको नीचे से कितना मजबूत होता है। ये देखो मैं कुदार, देखो ये नीचे से देखो कितना मजबूत होता है भाई, देख तगड़ा सीन है भाई कसम से यार। देखो ये देखो इतना मजबूत बनाया गया है स्टेज को, काफ़ी बड़ा है, कुछ कह नहीं सकता, कम से कम 3-4 प्लॉट है, 150 गज 150 गज के इतना बड़ा बनाया गया है। और देखो बहुत ही तगड़ा व्यू होने वाला है। दोस्तों ज़रूर आएँ 6-7-8 को, और यहाँ पे कथावाचक बाबा का जो वह भी लगता है ना, बाबा जो देखते हैं वह भी लगेगा यहाँ पे, सब कुछ लगने वाला है, सिस्टम है भाई तगड़ा वाला। ये देखो लाइट वगैरह बहुत ही होने वाला है। दोस्तों मैं आपको गेट भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में,